देखो ज्यादातर स्टूडेंट की अगर बात करें यहाँ पर, तो अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन करते हैं वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेकर करते हैं। या तो वो ऑफलाइन कोचिंग करता है या फिर ऑनलाइन कोचिंग करता है। ऑफलाइन में बहुत कम स्टूडेंट रहते हैं, आज की तारीख में अगर बात करें तो ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो ऑनलाइन कोर्स की तरफ अपनी प्रिपरेशन करते हैं। अब ऑनलाइन कोर्स की भी अगर यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन कोर्स में दो सेगमेंट उनके पास होते हैं कि या तो वो लाइव बैच ज्वाइन कर ले या फिर रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर ले। और यही स्टूडेंट का सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, वो किसी भी एग्जाम की जाए प्रिपरेशन करे, जो भी एग्जाम उसका टारगेटेड, मैं यहां पर कॉमन बात करूंगा, हर एग्जाम के लिए आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। वो कई बार स्टूडेंट इस कंफ्यूजन में रह जाता है कि मैं ज्वाइन तो करना चाहता हूं पर मुझे लाइव बैच ज्वाइन करना चाहिए या रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा एक बात और यहां पर ध्यान देना, लाइव और रिकॉर्डेड को जब अपन कंपेयर करते हैं तो लाइव बैच की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिकॉर्डेड बैच, उसको काफी सस्ता मिल जाता है ना, और लाइव काफी महंगा मिलता है। तो यहां पर हम इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे कि आपके लिए लाइव बैच ज्यादा बेटर हो सकता है या फिर रिकॉर्डेड बैच ज्यादा बेटर हो सकता है। किस तरह से आप चूज करोगे कि आपको लाइव बैच पर जाना चाहिए या रिकॉर्डेड बैच पर जाना चाहिए, इनके बारे में यहां पर डिटेल में हम बात करेंगे। और साथ में मैं आपको यह भी यहां पर बताऊंगा कि अगर अपन सिलेक्शन रेशियो देखें, जैसे मान के चलो कि 10 बच्चे 10 बच्चे ऐसे जिन्होंने लाइव बैच ज्वाइन किया है और 10 बच्चे ऐसे जिन्होंने रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन किया है, तो सिलेक्शन रेशियो ज्यादा किसका रहता है यह भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अब देखो यहां पर लाइव और रिकॉर्डेड को जब हम कंपेयर करेंगे तो कई सारे ये पॉइंट यहां पर लिखे हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैं यहां पर आपको डिस्कस करूंगा और डिटेल में यहां पर मैं बताऊंगा। देखो अभी एच गुड क्लासेज है, एच गुड क्लासेज भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती है, और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर तो आपको कई सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे जिनको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ेगा। अब ये जो फ्री ऑनलाइन कोर्स है ये सीएसआई नेट का भी है ना, सीएसआई नेट के लिए, गेट के लिए, या फिर अदर हायर एग्जाम की प्रिपरेशन भी आप उसके थ्रू कर सकते हो। जो प्री कोर्सेज है वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के लिए भी, जिससे आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के फर्स्ट ग्रेड एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। हालांकि हम केवल केमिस्ट्री के कोर्स प्रोवाइड कराते हैं, बाकी के प्रोवाइड यहां पर नहीं कराते, ध्यान रखना। आप ये देख सकते हो कि ये सारे फ्री ऑनलाइन कोर्सेज एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर है, और इनमें से किसी भी कोर्स को आपको ज्वाइन करना हो तो उसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आप देखो ये कितने इफेक्टिव कोर्स है, नेट और गेट का जो फ्री कोर्सेस में 1000 प्लस वीडियो लेक्चर है ना, और यहां पर जो फर्स्ट ग्रेड का फ्री ऑनलाइन कोर्स है उसमें 650 प्लस वीडियो लेक्चर्स यहां पर अवेलेबल है। इतने सारा जो कंटेंट है ना वो तो लोगों के पेड कोर्स में नहीं होते, जो हजारों रुपए के पेड कोर्स होते हैं 5-5, 10-10 हजार के, उनमें इतना कंटेंट नहीं होता जिसके लिए हम यहां पर 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे। हालांकि मैं आपको बता देता हूं एचगढ़ क्लासेज पर ये सारे तो फ्री कोर्स है, इनके लिए तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना। इसके साथ साथ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है नेट गेट फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स के लिए। ये जो पेड कोर्स है ये भी हम बिल्कुल नाम मात्र के बहुत ही कम प्राइस पर प्रोवाइड करते हैं। अगर बाकी इंस्टीट्यूट से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा यार इतनी कम प्राइस में ये कोर्सेज कैसे अवेलेबल हो रहे हैं ना। अब इसमें जब कोई स्टूडेंट कॉम्बो कोर्स ज्वाइन करता है तो कॉम्बो कोर्स के अंदर वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब आ जाता है, और स्टूडेंट फिर इंडिविजुअल अगर इन कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहे तो इंडिविजुअल भी कर सकता है, और कॉम्बो में तो उसको ये सब कुछ साथ में मिल जाता है। ठीक है, बाकी इन कोर्सेज की डिटेल के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लेना पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो। बाकी फ्री कोर्स आप जरूर ज्वाइन कर लेना एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और थोड़ा सा अगर पैसा खर्च कर सको तो पेड कोर्स ज्वाइन करोगे तो पेड कोर्स में तो फिर 4 चांद लग जाएंगे आपके प्रिपरेशन के लिए। बहुत शानदार कंटेंट हमने यहां पर प्रोवाइड किया है। चलो अब यहां पर अपन देखते हैं लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज में से आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फायदेमंद है, आपको एक डायरेक्शन दे देगा आपको करना क्या चाहिए। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले अपन यहां पर बात कर लेते हैं जैसे सिलेबस की। देखो अगर अपन लाइव रिकॉर्डेड की बात करें तो लाइव बैच के अंदर क्या होता है कि जो सिलेबस होता है वो टीचर अपने अकॉर्डिंग चलाता है ना। जैसे पहले एक टॉपिक स्टार्ट किया, फिर 5-10 दिन 15 दिन एक टॉपिक चलेगा, वो खत्म होगा, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा, मतलब उस कोर्स को खत्म होने में काफी लंबा समय लग जाता है लाइव के दौरान। और कई बार होता क्या है कि जैसे मान लो आपका एग्जाम पास में आ गया
तो उस कंडीशन में क्या है, क्योंकि टीचर को पूरा सिलेबस कवर करना है, तो ऐसे केस में फिर टीचर क्या है, तो तेज फास्ट फास्ट पढ़ाना शुरू कर देता है, या फिर वो क्या है कि टॉपिक को बीच में से थोड़ा करके गायब कर देता है, या फिर क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए सोल्व करवाना चाहिए उनकी संख्या को कम कर देता है, ताकि सिलेबस जल्दी से कवर हो जाए और सब बच्चों को लग जाए भाई सर ने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया, है ना ऐसा। और कई बार समय कम रहता है तो फिर सिलेबस हो भी नहीं पाता, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक है लाइव क्लासेज का, ठीक है। अब रिकॉर्डेड की यहां पर अपन बात करें तो जिन आप किसी भी इंस्टीट्यूट से कोई सा भी कोर्स ज्वाइन कर लो, ज्यादातर केस में रिकॉर्डेड जो वीडियो लेक्चर्स का ये होता है कोर्स होता है, उसके अंदर लगभग पूरा का पूरा 100% कंटेंट ज्वाइनिंग के दौरान ही बच्चों को मिल जाता है, मतलब फर्स्ट डे ही मिल जाता है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो जब पहले दिन ही आपको सारा का सारा कंटेंट मिल गया तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप अपने टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकता है। जो इस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, जिसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, पहले आप उसको पढ़ सकते हो और बाद में दूसरे टॉपिक को आप ले सकते हो, मतलब पूरी के पूरी प्लान पहले तैयार कर सकते हो, है ना। आप प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर पहले ये देख लोगे भाई इस टॉपिक का वेटेज ज्यादा है, इसका कम वेटेज है, तो जिन टॉपिक का हाई वेटेज है जो सिलेक्शन के लिए ज्यादा जरूरी है पहले मैं उनको कंप्लीट करके पहले उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, और जिन टॉपिक का वेटेज कम है जो सिलेक्शन के लिए कम जरूरी है उनको मैं बाद में कवर करूंगा ताकि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाए। जबकि लाइव में ऐसा आप कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे भाई लाइव में ऐसा, है ना, आप चाहकर भी नहीं कर सकते ऐसा। क्यों? क्योंकि लाइव में तो जैसा टीचर चलाएगा पढ़ाएगा, जिस सीक्वेंस में पढ़ाएगा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ये सारी चीजें लाइव के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। देखो लाइव में एक और बात मैं आपको बता देता हूं, देखो लाइव क्लासेज का टाइम हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे सपोज करो कि किसी क्लास का टाइम है शाम को 5 बजे, तो वो डेली 5 बजे ही स्टार्ट होगी, 5 से पहले नहीं होगी, और मान लो 1 घंटे की क्लास है तो आपको 1 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा, मतलब वो हमेशा टाइम बाउंडेड होते हैं। जबकि रिकॉर्डेड में क्या है कि आपकी मर्जी पढ़ो, जब आप स्टार्ट कर सकते हो, आपने सुबह का टाइम शेड्यूल कर लिया, आपका दिमाग सुबह ज्यादा काम करता है तो आपने सुबह पढ़ा, ज्यादा शाम को आपका दिमाग काम कर रहा है तो आपने शाम को पढ़ा, है ना। और फिर वहां पर यह भी जरूरी नहीं आपके पास समय ज्यादा है तो फिर एक ही लेक्चर क्यों देखो, आप एक दिन में 1 घंटे की जगह 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर भी देख सकते हो, जबकि लाइव में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो दूसरा ड्रॉबैक आपको लाइव में यहां पर यह देखने को मिलेगा कि टाइम बाउंडेड होती है, जबकि रिकॉर्डिंग में ऐसा नहीं होता। अब एक बात यहां पर मैं आपको डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड बता देता हूं, देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में एक बात चलती रहती है कि लाइव क्लासेस के दौरान मेरे डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मेरा डाउट आया मैंने कमेंट किया लाइव क्लासेज के दौरान और सर मेरे डाउट का रिप्लाई कर देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये स्टूडेंट की बहुत बड़ी भूल है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे सपोज करो एक लाइव क्लासेज चल रही है और उसके अंदर मान लो कि 500 स्टूडेंट बैठे हुए हैं लाइव क्लासेज में। अब वो स्टूडेंट तेजी से कमेंट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि 500 की क्लास में अगर 20 बच्चे 30 बच्चे भी रेगुलर कमेंट कर रहे तो क्या टीचर जो जिसको केवल 1 से 1.5 घंटा क्लास लेनी है वो क्या उन सभी कमेंट का रिप्लाई करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा। उनमें से सिलेक्टेड 2-4-5 कमेंट का रिप्लाई करेगा, बाकी तो केवल हाई हेलो करेगा, है ना, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग राजू, गुड मॉर्निंग मीनाक्षी, है ना, इस तरह से कुछ नाम लेगा और वो आगे बढ़ जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो हर कमेंट का वहां पर रिप्लाई करने लग जाए तो 1.5 घंटे में तो वो बच्चों के कमेंट का रिप्लाई भी ढंग से नहीं कर पाएगा, पढ़ाएगा तो किस समय। लेकिन रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं है ना, वहां पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा और कंप्लीट पढ़ा और बीच में कोई डिस्टर्बेंस है ही नहीं। फिर बात यहां पर ही आती है कि लाइव में चलो हमने डाउट का रिप्लाई किया नहीं क्या, कम से कम भेज कर अपने कमेंट करके हम सेटिस्फाई तो हुए कुछ कि हमने चलो मैं डाउट बता तो दिया, सर ने जवाब दिया नहीं दिया। हाँ, रिकॉर्डेड में और अच्छी फैसिलिटी जनरली आपको मिलता है। अब हो सकता है कोई इंस्टीट्यूट नहीं प्रोवाइड करता वो बात अलग है। अभी जैसे एच गुड क्लासेज के जितने भी ऑनलाइन कोर्स है, पेड ऑनलाइन कोर्स, फ्री वाले ऑनलाइन कोर्स में तो देखो डाउट सॉल्विंग पॉसिबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है ना, लेकिन पेड कोर्स में तो हम प्रोवाइड कराते, स्टूडेंट व्हाट्सएप वगैरह पे डाउट हमसे पूछ सकता है, ठीक है। तो हम ही क्या, ज्यादातर इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड कोर्स के दौरान डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं,
तो जब भी आपको पढ़ते समय कोई डाउट वगैरह आया तो जो भी उनका डाउट सॉल्विंग टाइम होगा आप भेजोगे तो उस टाइम पीरियड में वो उनका रिप्लाई कर देते हैं, तो कुल मिलाकर आपकी प्रॉब्लम वहां पर पार्ट सॉल्व होती है। कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट लाइव क्लासेस के दौरान बच्चों के कमेंट्स वगैरह देखकर काफी सारी बातें वगैरह करने लग जाता है, तो काफी सारा टाइम वहां पर वेस्ट हो जाता है, जबकि रिकॉर्डेड में एक सिक्वेंस में क्लास चलती है और वो खत्म होती है, कम समय में ज्यादा मैटर यहाँ पर कवर हो जाता है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो आपके कोई भी लाइव क्लासेस चल रही है, चलते चलते सपोज करो आपके नेटवर्क में कोई इश्यू आ गया या फिर टीचर हैंड से कोई इश्यू आ गया, तो उस दिन की आपकी क्लास ही खत्म हो जाती है। लेकिन रिकॉर्डेड में तो ऑलरेडी आपके पास सारा कंटेंट है, इसलिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कई बार क्या होता है कि बच्चों का जब नेटवर्क इश्यू होता है तो लाइव क्लासेज वहां पर प्ले हो ही नहीं पाती, जबकि रिकॉर्डेड क्लासेज में ज्यादातर एप्लीकेशन में क्या होता है ऑफलाइन डाउनलोड मोड का ऑप्शन होता है, जहां पर स्टूडेंट क्या होता है कि एप्लीकेशन के अंदर ही वीडियो वगैरह को पहले डाउनलोड कर लेता है और डाउनलोड करके बाद में विदाउट इंटरनेट उनको देख लेता है। इसलिए जो इंटरनेट इश्यू वगैरह की प्रॉब्लम है वो रिकॉर्डेड कंटेंट में आती ही नहीं, जबकि लाइव में ऐसी प्रॉब्लम स्टूडेंट को जनरली देखने को मिलती है। आगे यहाँ पर बात कर ले, जैसे सपोज करो कि देखो जितनी भी क्लासेज आजकल चलती है वो ज्यादातर क्लासेज डिजिटल पैनल पे चलती है, आपको ये पता है इसे, ठीक है। तो वहां पर क्या करता है कि जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं वो क्वेश्चंस ऑलरेडी पीपीटी पर लिखे रहते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि टीचर ने कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने के बाद वो क्या करेगा भाई, तुरंत उसका क्वेश्चन सॉल्व कराए। अब क्वेश्चन सॉल्व कराते पूरा का पूरा क्वेश्चन उसके पास पहले से लिखा हुआ है, आप उसको उसी सेम टाइम पर नोट कर ही नहीं सकते अपनी नोटबुक के अंदर। तो ऐसे केस में क्या होगा, आपने वो भले ही से देख लिया लेकिन वही जो लाइव क्लासेज आपको मिली है बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको देखनी ही पड़ेगी। तो ऐसे केस में आपका दो दो बार टाइम कंज्यूम होगा। दो दो बार कैसे, पहले तो आपने उसी क्लास को लाइव फॉर्म में देखा, फिर बाद में उसी क्लास को आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में देखा, तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड दो बार आपका टाइम वेस्ट हो गया वहां पर, जबकि रिकॉर्डेड में आप पहली बार में अपने नोट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लोगे तो आपका समय वहां पर काफी ज्यादा बचता है, तो सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली क्या होता है बढ़ जाता है। कई बार क्या होता है जिसे मान लो कि लाइव क्लासेज के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आई है ना, तो आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो उसको बैक में जाकर देख लो, नहीं देख सकते। कोई कोई टॉपिक आपको इजी लगता है तो ऐसा थोड़ी कि आप वहां पर उसकी स्पीड को दोगुना करके डबल स्पीड करके वीडियो को जल्दी खत्म कर लोगे। लाइव क्लासेज आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं होते, वो जैसा चलती वैसे चलेगी। लेकिन रिकॉर्डेड में अगर कोई टॉपिक आपको ईजी लग रहा है तो उसको दो की स्पीड में आपने देखकर उसको आधे टाइम में, दो घंटे के लेक्चर को एक घंटे में देखकर खत्म कर दिया और जल्दी से नोट्स वगैरह बना लिए, ठीक है। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई तो तुरंत आपने उसको थोड़ा सा बेक करके देखा और वहां पे रिपीट करके सुन लिया, तुरंत आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो ये बेनिफिट यहाँ पर होता है। और देखो जो स्टूडेंट बेसिकली जॉब के साथ प्रिपरेशन करते हैं तो लाइव की लाइव क्लासेस तो उनके लिए मैच ही नहीं कर पाते उनके टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनका पूरा टाइम जॉब में रहता है। तो ऐसे केस में लाइव क्लासेज का टाइम जनरली अलग रह जाता है, उनका जॉब का टाइम अलग रहता है, तो कभी भी उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं, वो बाद में हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे पास एक कोर्स था, ठीक है, लाइव कोर्स था। लाइव कोर्स के दौरान उसमें 600 स्टूडेंट थे। कितने? 600 स्टूडेंट। अब आपको पता है 600 स्टूडेंट में से जो लाइव बीच में बच्चे आते थे वो लाइव क्लासेज के दौरान लगभग 5% करीबन बच्चे आते थे, 25-30 स्टूडेंट जनरली इतने ही रहते थे। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते थे ना कि टीचर के टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जब उनको जो टॉपिक पढ़ना है वो तभी पढ़ते थे, ठीक है। तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर स्टूडेंट लाइव ज्वाइन भी कर लेता है तभी मैं बता देता हूं कि लगभग 90% स्टूडेंट लाइव ना पढ़कर उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि दो दो बार टाइम खराब होते हैं। अच्छा, इसका एक शानदार एग्जांपल और बताओ, आपको देखना है कि लाइव ज्यादा सिलेक्शन देता है या रिकॉर्डेड ज्यादा सिलेक्शन देता है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देख सकते हैं। कैसे करना है, जैसे आप आपकी नजर में जो भी हो 10 बच्चे सिलेक्ट कर लेना, 10 बच्चे, चाहे उन्होंने कोर्स लाइव ज्वाइन किया हो चाहे रिकॉर्डेड ज्वाइन किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 10 स्टूडेंट को सिलेक्ट करना। अब 10 स्टूडेंट जो आपने सिलेक्ट किया, और कौन से स्टूडेंट सिलेक्ट करना है, जिनका सिलेक्शन हुआ है एग्जाम में। अब आप उनसे पूछना भाई कि तुमने कोर्स ज्वाइन किया हो चाहे लाइव किया हो चाहे रिकॉर्डेड ज्वाइन किया हो, तो आप ये बताइए कि आपने क्या क्लासेज लाइव अटेंड करी,
तो मैं बता दूं 10 में से कम 7 स्टूडेंट का जवाब आपको यही मिलेगा, भाई भले ही हमने लाइव कोर्स ज्वाइन कर रखा था लेकिन हम उसको देखते बाद में ही थे, मतलब हमारे टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते थे। लाइव क्लासेज में तो हम बहुत ही कम आते थे, रीजन क्या है कि लाइव क्लासेज में स्टूडेंट का काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर ओवरऑल सिलेक्शन रेशियो भी आप देखोगे तो लाइव क्लासेज के कंपैरिजन में रिकॉर्डेड क्लासेज में सिलेक्शन रेशियो हमेशा ज्यादा मिलेगा, क्योंकि वहां पर टाइम की स्टूडेंट को काफी ज्यादा फिजिबिलिटी मिलती है, ताकि स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग टाइम को मैनेज करके अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में कर सके, इसलिए हमेशा लाइव के कंपेरिजन में रिकॉर्डेड बेटर होता है। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर प्राइस का भी आता है, लाइव कोर्स जैसे जाता है तो उसकी प्राइस रिकॉर्डेड के कंपेरिजन में डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, जबकि रिकॉर्डेड कोर्स स्टूडेंट को काफी सस्ते में मिल जाता है। तो मैंने सारे पॉइंट बताए यहाँ पर, ठीक है, अगर इन सब पॉइंट के बारे में सोचोगे तो लाइव के कंपेरिजन में रिकॉर्डेड कोर्स काफी ज्यादा बेहतर है। और मैं आपको बता देता हूँ, एचगोड क्लासेज पर भी पहले जितने भी ऑनलाइन कोर्स थे वो लाइव चलते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमने लाइव से रिकॉर्डेड के फॉर्म में उनको शिफ्ट इसीलिए किया क्योंकि लाइव के दौरान कई सारे डीमेरिट्स उसमें देखने को मिले। ठीक है, तो आई थिंक सारी चीजें आपके समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये जो एनालिसिस यहाँ पर बताया है एक बार आप इसके बारे में खुद अपने अकॉर्डिंग सोच के देखना कि क्या इनका फायदा है क्या नुकसान है। आप खुद भी सोच कर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या लाइव के कंपेरिजन में रिकॉर्डेड में कितना बेनिफिट है, क्योंकि रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर आपका समय वगैरह सब कुछ मैनेज हो जाता है, आपको काफी कम कॉस्ट में अवेलेबल हो जाता है, डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी तो ऑलरेडी रहती है रिकॉर्डेड कोर्स में, क्योंकि लाइव नहीं है तो भी रिकॉर्डेड में तो करेंगे ही सही ना डाउट का, तो वहां पर डाउट का रिप्लाई हमेशा फास्ट मिलता है एज कंपेयर टू लाइव, ये आपको बता देता हूं। तो दोस्तों ये सारे के सारे फ्री कोर्स है, इनके लिए तो आपको एक रुपए भी ज्वाइन पे नहीं करना, आप फ्री कोर्स को डायरेक्ट एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा भी पेमेंट कर सकते हो, अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो तो आप पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स के कंपेरिजन में मतलब सॉरी जो फ्री कोर्स है उसके कंपेरिजन में काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, और इसके अंदर तो फिर टेस्ट सीरीज क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ आपको मिल ही जाता है। और ये जो वीडियो है इसको आप शेयर जरूर करना ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके, हर स्टूडेंट समझ सके कि आपको किस टाइप का कोर्स ज्वाइन करना है। थैंक यू।